डियर स्टूडेंट, आइए आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीषर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ की जो लेकर चल रहे हैं उसके सेशन की आगे चर्चा करेंगे। हम लेसन चैप्टर्स में 10 लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम यहाँ तक हमने उस दिन कंप्लीट करा दिया था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड और पॉलीहैलाइड कहलाते हैं। मोनोहैलाइड वे होते हैं जिसमें हैलाइड मतलब हैलोजन परमाणु एक होता है, जुड़ा होता है कार्बन श्रृंखला से, और इसमें दो डाई, इसमें तीन ट्राई, इसमें चार टेट्रा, इसमें अनेक हो, उसमें पाली कहलाता है। ये हमने उस दिन पढ़ा दिया था। आइए जानते हैं नामकरण कैसे करेंगे हैलाइडों का। तो नामकरण की दो विधियां हैं, सामान्य पद्धति एक आईपीएससी नाम। तो यहाँ देखेंगे तो यौगिक हमारा है आर एक सामान्य नाम एल्किल हैलाइड, या आर से रेडिकल यानी एल्किल हो गया, एक से हैलाइड हो गया। आईपीएससी नाम इसका लिखा जाएगा पहले हैलो तब एल्केन। जैसे यहाँ पे हमने जोड़ दिया है मेथिल को CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेथिल और ये क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो इसका अगर हम आईपीएससी लिखेंगे तो पहले एक क्लोरीन लगी है तो यहाँ एक नंबर पे, तो क्लोरो मेथेन नाम होगा। इसी प्रकार CH3CH2 भी यहाँ लगाया तो यहाँ पे कितनी है एथिल लगा हुआ है और ये ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड नाम हो गया। अगर इसका आईपीएससी लिखेंगे तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो एक नंबर पे ब्रोमो लगा है माने वन और ये टू, तो एक नंबर पे ब्रोमो, तो वन ब्रोमो एथेन कह सकते हैं, केवल ब्रोमो एथेन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये CH3CH2CH2Cl लगा है तो इसका नाम देंगे नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। नॉर्मल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो है ऐसे कार्बन से क्लोराइड जुड़ा हुआ है जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड होगा। आईपीएससी देखेंगे तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो वन नंबर पर क्या है क्लोरो और तीन कार्बन है तो क्लोरो प्रोपेन। फिर यहाँ पे देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ हमने कैसे ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा है जो कार्बन आसपास दो कार्बन से जुड़ा है, यानी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन था तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड इसका नाम होगा। और आईपीएससी नाम लिखेंगे तो यहाँ पे जब काउंट करेंगे 1 2 3, तो तीन दो नंबर पे आइडो लगा है तो 2 आइडो और तीन कार्बन श्रृंखला में है तो प्रोपेन होगा। आइए देखते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C5H11Br से संभावित सभी समावयवी की संख्या बताइए, IUPAC नाम दीजिए और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि समावयवी कितने बनेंगे, यानी इसका अणुसूत्र यही रहेगा और इसके समावयवी यानी संरचनाएं कितनी बन सकती हैं, और साथ में आईपीएससी नाम भी बताएंगे। तो यहाँ पे सी कितने लेना है हमको 5, तो हमने 1 2 3 4 5 और एक Br यहाँ पे हमने लगा दिया। एच तो 11 अपने आप से हो जाएंगे, जब सी है तो यहाँ पे एक एच लगेगा, एक यहाँ 3 और यहाँ 1 2 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 11 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ हम हाइड्रोजन दिखा नहीं रहे हैं, यहाँ सब पे हाइड्रोजन, तो काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से Br को कम से कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 ये श्रृंखला लेंगे तो 1 नंबर पे ब्रोमो लगा है तो 1 ब्रोमो कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन है तो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। आइए दूसरा देखते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 5 हैं, तो इसमें भी 11 होंगे या अपने आप से 1 2 3 इधर 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। हमें काउंट करना है इधर से Br को कम से कम नंबर मिले, मतलब हाइड्रोजन परमाणु को या कोई भी प्रतिस्थापी लगाओ, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो देखेंगे 2 नंबर पे ब्रोमो लगा है तो 2 ब्रोमो और फिर कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन है तो पेंटेन। अगला देखते हैं इसमें कितने कार्बन हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने बनाए और यहाँ पर Br लगा दिया हमने इस वाले कार्बन से जो आसपास 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तीसरे नंबर पे, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से कहीं 1 2 3 नंबर पे Br आएगा तो हम सीधी कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे 3 नंबर पे ब्रोमो 3 ब्रोमो और 5 कार्बन है तो पेंटेन। इसी प्रकार से यहाँ भी 5 ही कार्बन है 1 2 3 4 और 5, लेकिन हमने यहाँ पे Br जोड़ा और इन कार्बनों को इस कार्बन से ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे जो है काउंटिंग करेंगे इसको जो है 1 2 3 तो 3 नंबर पे आएगा, तो इधर से करेंगे 1 2 3 चाहे कर लें, चाहे 1 2 3 ऊपर चाहे 1 2 3 नीचे, तो हम सीधी श्रृंखला मिल रही तो 1 2 3 ऐसे कर लेंगे, तो 1 नंबर पे क्या हो गया ब्रोमो,
दो नंबर पे मेथिल, इसे मेथिल कहेंगे, इन दोनों को मेथिल मेथिल, तो टू टू दो बार मेथिल है इसलिए डाई मेथिल, और कार्बन श्रृंखला में तीन कार्बन है तो प्रोपेन कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी एक दो तीन चार कार्बन है, चार कार्बन मतलब चार कार्बन और एक पाँच, ये मेथिल सी एस थ्री हो गया। यहाँ भी जो है सिंगल बॉन्ड सी दिख रहा है, इसे भी आप सी एस थ्री और सी एस थ्री लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ एच तो तीन ही लगेंगे, हमने लगाए नहीं है। तो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री फोर, वो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन जो है मिले। तो इसमें जो है इधर से कह रहे वन टू थ्री फोर, एक नंबर पे ब्रोमो वन ब्रोमो, दो नंबर पे मेथिल टू मेथिल और ब्यूटेन। तो इतने समावयवी बने। आगे चल देखते हैं छठा समावयवी, ये है, इसमें भी एक दो तीन चार कार्बन इधर लगा दिए, एक यहाँ पे मेथिल लगा दिया, यहीं पे बीआर भी जोड़ दिया। तो ये सी एच थ्री है, ऐसे ये भी सी एच थ्री है, यहाँ भी सी एच थ्री, ये सी एच टू है, ये तो मतलब यहाँ दो एच लगेंगे, यहाँ तीन एच लगेंगे, तो सी एच थ्री हो जाएगा सी एच टू। यहाँ पे एक भी एच नहीं लगेगा क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे तीन और यहाँ पर भी तीन। तो यहाँ पे जब हमने काउंट करेंगे कि बी आर को कम से कम नंबर मिले, तो इधर से करेंगे वन टू थ्री फोर, तो दो नंबर पे ब्रोमो लगा है इसलिए टू ब्रोमो, दो नंबर पे मिथिल भी लगा है तो टू मिथिल, और कार्बन श्रृंखला में चार कार्बन है इसलिए इसका नाम ब्यूटेन होगा। सातवां समावयवी भी देखते हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार कार्बन और यहाँ पे एक सी एस थ्री लगा हुआ है और यहाँ पे बी आर। तो यहाँ पे देख काउंट करेंगे कि बी आर को कम से कम नंबर मिले, तो इधर से चलेंगे वन टू थ्री नंबर पे आएगा, तो इधर से वन टू दो नंबर पे, तो इधर से काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री फोर, ऐसे वन टू थ्री, इधर भी फोर आ सकते हैं इधर भी फोर जा सकते हैं, सीधी श्रृंखला मिल रही तो फिर टेढ़ी क्यों आए। तो टू पर ब्रोमो टू ब्रोमो, थ्री पर मेथिल थ्री मेथिल, और चार हैं तो ब्यूटेन। आठवां समावयवी और लास्ट समावयवी देखते हैं, हमने बी आर को इसी कार्बन से जोड़ दिया, फिर एक दो तीन चार कार्बन और ये नीचे पाँच, काउंटिंग भी कर दी वन टू थ्री फोर, वन नंबर पर ब्रोमो थ्री नंबर पर मेथिल और चार कार्बन है श्रृंखला में तो ब्यूटेन। तो इतने जो है समावयवी बने हुए हैं। अब बात की थी इसमें कि हम जानेंगे कैसे वन डिग्री का कौन होता है, वन डिग्री का वो होता है जैसे ये कार्बन है आसपास एक कार्बन से जुड़ा है तो ये वन डिग्री का होता है, ये कार्बन आसपास दो डिग्री से जुड़ा है मतलब दो कार्बन से जुड़ा है तो टू डिग्री का है, ये वाला कार्बन देखो आसपास ये वाला कार्बन एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है इसलिए तीन डिग्री का कार्बन है, ये कार्बन फिर से हमारा एक ही कार्बन से जुड़ा इसलिए वन डिग्री का है, ये भी वन डिग्री का है। तो आप जान गए होंगे प्राथमिक कार्बन द्वितीयक कार्बन तृतीयक कार्बन जान गए हैं। देखिए ये वाला है हमारा, इधर कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन जोड़ दें तो देखेंगे ये तो वन डिग्री का, ये भी वन डिग्री का, ये भी वन डिग्री का, ये भी वन डिग्री का है, लेकिन ये बीच वाला फोर डिग्री का, यानी जो है नियो कार्बन इसको कह सकते हैं, इसे नियो कार्बन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी सभी वैलेंसी कंप्लीट है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए, तो लिखा है टू क्लोरो थ्री मेथिल पेंटेन। तो सबसे पहले हमें यहाँ गौर करना है टू क्लोरो थ्री मेथिल पे नहीं पेंटेन पे, पेंटेन मतलब कितने कार्बन बनेंगे कार्बन श्रृंखला में पाँच, वन टू थ्री फोर फाइव। अच्छा अब मुझे क्या करना है, दो नंबर पर क्लोरो लगाना है, तो इधर से अगर काउंटिंग कर दें वन टू थ्री फोर फाइव, दो नंबर पर क्लोरो यानी यहाँ क्लोरो लगेगा, थ्री नंबर पर मेथिल यानी यहाँ सी एस थ्री लगेगा, तो बन गई संरचना। इसी प्रकार से वन ब्रोमो फोर द्वितीयक ब्यूटिल टू मेथिल बेंजीन, इतनी लंबी बनानी है तो भी हम कैसे बनाएंगे, पहले हम वन ब्रोमो और फोर द्वितीयक ब्यूटिल को नहीं ध्यान रखेंगे, सबसे पहले यहाँ आएंगे बेंजीन पे, तो बेंजीन की रिंग बनाएंगे, ये हो गई बेंजीन की हमारी रिंग, यहाँ काउंटिंग कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि यहाँ कार्बन जो है बैठे हुए हैं। अब एक नंबर पर ब्रोमो लगाना है, यहाँ ब्रोमो लगा दिया, फोर नंबर पर लगाना है द्वितीयक ब्यूटिल, ब्यूटिल का मतलब चार कार्बन की श्रृंखला लेनी है और उसमें दो नंबर पे जो कार्बन है उससे जो है फोर नंबर को ऐड करना है, तब होगा फोर द्वितीयक, मतलब ये प्राथमिक कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन है, ये भी द्वितीयक कार्बन है और ये प्राथमिक है, क्योंकि ये कार्बन जो है नीचे वाला ये दो कार्बनों से जुड़ा है इसलिए द्वितीयक कार्बन है, द्वितीयक कार्बन चाहे इससे जोड़ दें चाहे इससे जोड़ दें दोनों द्वितीयक हैं। तो ये हो गया ब्यूटिल नीचे फोर द्वितीयक ब्यूटिल, फोर नंबर पर द्वितीयक ब्यूटिल लगा हुआ है। टू मेथिल, दो नंबर पे मेथिल लगाना है तो दो नंबर पे जो है मेथिल लगा दिया,
तो वन ब्रोमो, फोर द्वितीयक ब्यूटिल, फिर टू मेथिल, तब बेंजीन, हमने इसको जो है चुना है। हमने पहले वन ब्रोमो लिखा क्योंकि ए बी सी डी में बी पहले आता है, फिर फोर द्वितीयक ब्यूटिल, इसमें भी ब्यूटिल बी आता है, फिर इसके बाद जे के एल एम एन ये बाद में आता है, इसलिए यहाँ पे टू मेथिल बाद में लिखा है। और ये हो गया आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आइए सीखते हैं विरचन की विधियाँ। एल्कोहल से एल्कोहल व हाइड्रोजन अम्ल की क्रियाविधि द्वारा, देखते हैं सबसे अधिक जो है ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन ये है फ्लोराइड। तो ये इसका क्रम होता है विरचन का, सबसे अधिक ये है हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। आइए देखते हैं एल्कोहल व हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया द्वारा कैसे जो है इनका जो है विरचन होता है। तो ये हो गया एल्कोहल आर ओ एच, आर एल देखो एल्किल होता है, आर ओ एच ये एल्कोहल कहलाएगा, और एच एक्स मतलब ये हैलाइड है, हाइड्रोजन अम्ल। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो यच और ओ एच ये मिलके बनाएंगे जल H2O, और ये आर और एक्स एल्किल हैलाइड बन जाएगा, किसके द्वारा, एल्कोहल और हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया द्वारा। अब जैसे ये हमारा एल्कोहल है C2H5OH, ये कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। भाई C2H6 क्या होता है, एथेन, एक एच कम है तो एथिल हो गया, ओ एच लगा है तो एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल। और इसमें हम HCl अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल से क्या करा रहे हैं क्रिया, ये अम्ल है हमारा, तो यच और ओ एच मिलके तो जल बना देंगे, ये निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हो रहा है जिंक क्लोराइड की, तो बचा क्या C2H5 और Cl, यानी ये एथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या हुआ, एथिल और क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। नीचे आएंगे तो दूसरी रिएक्शन देखेंगे C2H5OH into मतलब प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करेंगे, फिर से H और OH मिल जाएंगे, और H और OH यहाँ पे जब क्रिया होगी तो ये तो बना देंगे जल, सीधा बचेगा क्या C2H5 बचा, और ये सिंगल बॉन्ड Br यानी एथिल ब्रोमाइड बना, एथिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार से आगे देखते हैं C2H5OH प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये सोडियम आयोडाइड प्लस ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया हो रही, तो यहाँ भी H और OH मिल जाएंगे, ये तो जल बना देंगे H2O, बचेगा कौन C2H5I एथिल आयोडाइड। तो ये आपने देखी रिएक्शन किसकी, एल्कोहल की और अम्ल की, एल्कोहल की जब क्रिया अम्ल के साथ होती है तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड बनते हैं, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, इस तरीके से। आइए जानते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन कि Ki के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का जो है यहाँ पे PO4 है फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, परंतु H2SO4 का नहीं, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल का तो प्रयोग किया जाता है, परंतु H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा क्या क्यों क्या कारण है। तो अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ H2SO4 का रिएक्शन कराओगे तो क्या आएगा, देखो H2SO4 कैसे टूटेगा, H+SO4- ये टूटता है H+ और SO4- में, तो H+ और ये पोटेशियम आयोडाइड कैसे टूटेगा, K+I- में, तो K वाला जो है H+I- ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये K+SO4 मिलेगा तो बनेगा, और यहाँ H2 है ना तो यहाँ HSO4 बनेगा, तो बनेगा KHSO4। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन आयोडाइड अगर लेते हैं तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा 2H2O, देखो 2H2O प्लस SO2 प्लस I2, भाई देखो ये I2 बन गया, बचा क्या इसमें H2, ये H2 है तो H के कितने हो गए 4, और इसमें से O के कितने ले लो 2, तो ये SO2 अलग बच जाएगा, और 2O2 और H की 4, तो ये हो जाएगा 2H2O, मतलब 2×2=4H के और 2 ऑक्सीजन के, तो 2 अणु जल के बने, और सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन का अणु। तो क्योंकि HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड प्रबल अपचायक है जबकि H2SO4 ऑक्सीकारक है, तथा ये दोनों क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में बदल देते हैं।
यही कारण है कि जो है H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जाता है, H3PO4 का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डार्जन प्रक्रम द्वारा केवल RCl ही बनता है, RBr और RI नहीं बनता है, क्यों? R मतलब एल्किल क्लोराइड ही बनता है, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड नहीं बनता है, क्यों? डार्जन प्रक्रम द्वारा तो RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए SOBr2 की आवश्यकता होती है, लेकिन SOBr2 यहाँ पर अनस्टेबल होता है, मतलब अस्थायी होता है, किस पर? कमरे के तापमान पर, एट रूम टेम्परेचर, इस जो हो नहीं पाता इसलिए RBr नहीं बनता। RI यानी एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए SOI2 की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि नॉट एग्जिस्ट है, यानी इसका अस्तित्व ही नहीं होता है, तो फिर कैसे बन पाएगा? यही कारण है कि RBr और RI नहीं बन पाता है। क्या कारण है कि हाइलो एल्केन ध्रुवीय होते हुए भी जल में आ मिले हैं? ध्रुवीय भी हैं लेकिन तब भी जल में घुलते नहीं हैं। ध्रुवीय का मतलब पोलर है, यानी प्लस और माइनस इसमें होता है हाइलो एल्केन में। हाइलो एल्केन ध्रुवीय होते हैं तथा इसमें द्विध्रुव आकर्षण भी पाया जाता है, तथा जल में पहले से ही अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, लेकिन फिर से समझते हैं। हाइलो एल्केन ध्रुवीय होते हैं तथा इसमें द्विध्रुव आकर्षण पाए जाते हैं, तथा जल में पहले से ही अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, अतः इन्हें जब मिलाया जाता है तो नया द्विध्रुव आकर्षण पुराने आकर्षण की तुलना में दुर्बल होता है। जो नया द्विध्रुव आकर्षण बल होता है वो पुराने आकर्षण की तुलना में कमज़ोर होता है। पहले समझ लीजिए, देखो जब इन्हें मिलाया जाता है, जब इनको मिलाया जाता है पानी में, तो जब नया द्विध्रुव आकर्षण बल जो बनता है वो पुराने आकर्षण की तुलना में कमज़ोर होता है, यानी पुराना आकर्षण बल अधिक मजबूत होता है, इसलिए ये जल में क्या होते हैं? अभिलेय होते हैं, यानी घुल नहीं पाते हैं। तो यही कारण है कि हाइलो एल्केन द्विध्रुव होते हुए भी ये जल में घुल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं घुल पाते हैं? क्योंकि इनके बीच जो पहले से द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है वो अधिक मजबूत होता है, और बाद में जब इनको जब जल में मिलाया जाता है तब जो द्विध्रुव आकर्षण बल बनता है वो कमज़ोर होता है, तो पुराना वाला जो है इतना मजबूत है कि बांधे रखता है, तो उसको घुलने नहीं देता है। आइए जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लोरोफॉर्म CaCl3 को भंडारण के लिए पूर्णतया रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? यानी अगर क्लोरोफार्म को भरकर रखना है तो रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? क्लोरोफार्म देखो, एक वायु प्रकाश के संपर्क में आने पर, क्लोरोफार्म जैसे ही अगर वायु के संपर्क में आ जाएगी या प्रकाश के संपर्क में आ जाएगी तो यह विषैली गैस फास्जीन यानी COCl2, फास्जीन का सूत्र COCl2 है, का निर्माण कर देती है। क्लोरोफार्म अगर वायु में पहुंच गई, वायु से संपर्क कर लिया, क्रिया कर लिया, प्रकाश से क्रिया हो गई, तो ये विषैली गैस बना देगी जिसका नाम फास्जीन है, जहरीली, जिससे क्या होगा, जो भी सूंघ लेगा उसको बेहोशी या वो मृत्यु के कगार पे जा सकता है। अब देखते हैं कैसे क्रिया होती है, जिससे CHCl3 है, ये क्लोरोफार्म है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया प्रकाश की स्थिति में, तो बनेगा बनेगा यहाँ पर CO और Cl2, और यहाँ से एक एच और एक Cl अलग हो जाएगा, और बचा कौन? CO और Cl2, तो ये हो जाएगी फास्जीन। वायु के 1 ppm में 900 भाग CHCl3 में बहुत कम समय तक सांस लेने से चक्कर आना, देखो वायु के 1 ppm में 900 भाग CHCl3 में बहुत कम समय तक सांस लेने से चक्कर आना, सिरदर्द व थकान हो सकता है, तथा दीर्घकालिक, अगर ये लंबे समय तक संपर्क बना रहा तो यकृत व किडनी का भी क्षय हो सकता है। इसीलिए क्लोरोफार्म जहरीली होती, इसीलिए ये वायु से क्रिया न कर पाए, प्रकाश से के संपर्क में ना आए, इसलिए इसको रंगीन बोतलों में क्लोरोफार्म को रखा जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आइडोफार्म के बारे में। आइडोफार्म क्या है? CHI3 है, ये पीले रंग का क्रिस्टली ठोस होता है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक यानी पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, परंतु आइडोफार्म का यह गुण इसके द्वारा मुक्त आयोडीन के कारण होता है। आइडोफार्म क्या होता है? CHI3 ये पीले रंग का क्रिस्टली ठोस है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, परंतु आइडोफार्म का यह गुण इसके द्वारा मुक्त I2 के कारण होता है।
आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम इस वीडियो लेक्चर में पूरे इस लेसन को कवर करेंगे, तो आप घबराएं नहीं ना तो वीडियो छोड़ के जाएं। आइए जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के बारे में। इसका व्यापारिक नाम पायरीन है। इसका उपयोग जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, प्रशीतक के रूप में तथा अग्निशामक यंत्र में करते हैं। अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाले यंत्र में। प्रारंभ में इसका उपयोग ग्रीस को साफ करने में किया जाता था, परंतु इस बात के भी प्रमाण हैं कि वायु में इसके उद्भासन से मनुष्य में कैंसर हो जाता है। गंभीर स्थिति में इसके प्रभाव से चक्कर आना, सिर दर्द व थकान हो सकता है, हृदय गति धीमी होगी, हृदयघात तथा रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए इसको जो है बंद कर दिया गया। शुरुआत में इसको ग्रीस साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन उससे क्या होता था, वायु में भी वो जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड पहुँच जाती थी, जिससे बहुत मनुष्य बीमार हो जाते थे, सिर दर्द और थकान होता था, इसलिए फिर उसको वैध कर दिया गया। आइए जानते हैं फ्रेयान के बारे में। CFCs को भी कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेथेन या एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को संयुक्त रूप से फ्रेयान कहते हैं। फ्रेयान जो है पूछा जाता है ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में कि तो इसे आप लिखेंगे कि मेथेन या एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को संयुक्त रूप से फ्रेयान कहते हैं। उपयोग इसका प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है, परंतु यह ओजोन परत अवक्षय के लिए भी उत्तरदायी होता है। ये क्या करता है, ओजोन परत का क्षरण करता है फ्रेयान, इसलिए ये अतः यह कुछ देशों में यह प्रतिबंधित हो चुका है। इस पर जो है रोक लगा दी गई है फ्रेयान पर, क्योंकि ये ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। फ्रेयान का नामकरण तो फ्रेयान XYZ से कर सकते हैं। एक्स कार्बन की कार्बन परमाणु संख्या -1, वाई हाइड्रोजन परमाणु संख्या +1, जेड फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो CFCl3 जैसे कोई सूत्र लिखा है तो इसका हम फ्रेयान अगर लिखना चाहें तो फ्रेयान का तो 011 लिखेंगे। 0 मतलब कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, एक्स का मान, वाई का मान हाइड्रोजन इसमें जो है कितना है, हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, तो हाइड्रोजन 0 है, तो यहाँ पे वाई का मान 1 आएगा, और जेड माने एफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कितना है यहाँ पे 1 है, तो फ्लोरीन भी 1 आएगा, तो 011 जो है इसका फ्रेयान का सूत्र आ गया। इसी प्रकार C2F2Cl4 है, तो फ्रेयान का अगर फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स का मान, सी का मान कितना है 2, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे वाई का मान कैसे निकालेंगे, H+1, तो H है ही नहीं, 0 है, तो यहाँ 1 ही रहेगा, 0+1, और जेड है फ्लोरीन परमाणु की संख्या, तो फ्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2, तो 1 1 2 आ गया। तो ये नामकरण भी जान गए होंगे आप कैसे निकालते हैं। आइए जानते हैं एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट DDT आ जाता है परीक्षा में, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन इसका नाम है। DDT का डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, तो ये इसका देखो कैसे बनता है। CCl3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये है, फिर इसमें जो क्लोरो बेंजीन का ऐड होता है, ये बेंजीन है, इसमें क्लोरो लगा है, और इसका एक तरफ हाइड्रोजन निकाला गया है। ये दो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मिलके जल बना देंगे, फिर उसके बाद में ये जब कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे तो ये जल बनेगा, जल जो है अपना बाहर हो जाएगा इस साइड में, H2O बचा कौन, CCl3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये जो डबल बॉन्ड रही, डबल बॉन्ड से ये तो यहाँ चला जाएगा, ये एक में जुड़ेगा, एक में जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ गया सी मतलब क्लोरोबेंजीन, और ये भी क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन चले गए तो ये इधर चला गया जल बना, तो इसका नाम है 2-bis 2-bis 4-chlorophenyl, मतलब काउंट 1, या फिर इसका IUPAC लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे 111 ट्राइक्लोरो एथेन। कैसे यहाँ पे जो है 1 और 1, एक नंबर पे 3 क्लोराइड लगे हैं, इसलिए 111 3 बार ट्राई क्लोरो, और इधर जो है 2 कार्बन हुए 1 और 2, तो इसका नाम होगा एथेन। आइए थोड़ा BHC के बारे में भी जान लेते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के बारे में। तो ये क्या होता है, ये बेंजीन की रिंग है, इसमें सब जगह बेंजीन लगी 6 जगह, तो इसका नाम हो गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, CB6 HB6 Cl6 666। तो इलिडेंट भी इसको कहते हैं, R आइसोमर्स यानी कीटनाशी होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
तो इसी के साथ ये लेसन 10 जो है आपका पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेसन को लेकर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी जल्द ही पेपर लेकर हाजिर होंगे और जल्द ही आपको जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे।